लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को नगर निगम की किशोरपुरा कायन हाउस में सैंपल भी लिए। इसी के साथ गोवंश को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में ज्यादातर गोवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कायन हाउस में अब तक 81 गाय लंपी वायरस से संक्रमित होकर आ चुकी है, जिनमें से 54 गायों को ठीक किया गया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गायों के लिए गए सैंपल जयपुर भिजवाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र कोटा की टीम द्वारा सैंपल लिए गए। जो भी डिसीज एनिमल है उनके स्किन स्कैब, फुल ब्लड, सीरम और नेजल स्वैब, ये सारे सैंपल्स लिए गए। सब 5 जानवरों के 5 जो रिकॉर्ड हुए जो ठीक हो गए उनकी क्या स्थिति है, उनमें वायरस की प्रेजेंस है नहीं है, एंटीबॉडी बनी है नहीं है, उसके लिए भी 5 एनिमल्स के हमने ये सारे सैंपल्स लिए। ये सारे राज्य रोग निदान केंद्र को जयपुर जाएंगे और इसकी रिपोर्ट 15-1 दिन के पहले आ जाएगी। अभी कोटा में और कहाँ कहाँ नहीं, अभी तो अपन ने आइसोलेशन वार्ड से लिए क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री अपने पास है।